हेलो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कपाट बनाया है और 6 फीट इसकी चौड़ाई है और हाइट इसकी 7 फीट है। तो आप देख सकते हो इसकी धार के ऊपर हमने यहाँ पर ये जो पीवीसी पट्टी है ये हमने यहाँ पर ये लगाई है और इसका जो कलर है इस माइका से एकदम मिलता जुलता मैचिंग कलर है। ये आपको अलग अलग कलर में मिल जाएगी, जो आपकी माइका लग रही है उसी कलर की आपको ये मिल जाएगी। और आप देख सकते हो ये वहाँ पर ये लग रही है। और इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 22 mm की चौड़ाई में है और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस इसकी 0.8 mm है। तो इसको आप हिटेक्स की मदद से लगा सकते हैं या फिर आप पीवीसी एडोसिव आता है उसकी मदद से लगा सकते हैं, लेकिन हम जो इसको यहाँ पर ये लगा रहे हैं पीवीसी पट्टी को वो हम फेविकोल प्रो बॉन्ड की मदद से यहाँ पर ये लगाएंगे। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर ये इसको धार के ऊपर यहाँ पर ये एडोसिव यहाँ पर लगाएंगे। और दोस्तों आपको एक साइड में ही लगाना है इस धार के ऊपर, आराम से ये अच्छे से यहाँ पर इस धार के ऊपर ये लगा देंगे। और दोस्तों आपको ये अलग अलग कलर में ये जो पीवीसी पट्टी है ये मिल जाएगी। आपकी जो माइका लग रही है उस माइका का आप सैंपल लेकर जब आप लेने के लिए जाओगे तो आपको सैंपल लेके जाना है, वहाँ पर आपको मैचिंग कर लेनी है। तो ये 22 mm की है और यहाँ पर ये 1.5 इंच की चौड़ाई में भी मिलती है ये पीवीसी पट्टी। तो ये हमारा यहाँ पर ये एडोसिव यहाँ पर लग चुका है और इसका लगाने का एक ही फ़ायदा है, ये जो हमारी जो ये इसकी जो धार है ये वाइट है तो ये अच्छी लगती है। जो हम रेगुलर माइका लगाते हैं उसकी जो धार दिखती है ब्लैक वाली वो अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए यहाँ पर इस पट्टी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये हमारा यहाँ पर ये लग चुका है एडोसिव। अब हम यहाँ पर ये पट्टी को पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर टेप लगा सकते हैं और आप चाहे तो टेप अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको टेप यहाँ पर ज़रूर लगानी है क्योंकि ये थोड़ी सी ये जो हमारी जो ये पीवीसी पट्टी है ये थोड़ी ज़्यादा आने के कारण ये थोड़ा उठने का चांस रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर हल्की हल्की टेप लगानी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर ये टेप लगा देंगे, इतनी ज़रूरत तो नहीं है टेप लगाने की, फिर भी हम थोड़ी सी टेप लगा देंगे। और ये जो हमारा एडोसिव यहाँ पर लगा है ये लगभग 20 मिनट के अंदर सूखेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर टेप लगा देंगे। तो इस तार की पट्टी हमने पहले ही लगा दी थी तो ये सूख गई है, इसकी हम यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो ये हमारी ये फिनिशिंग लग चुकी है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर भी। तो इसी तरीके से आप ये पट्टी चिपका सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ये तरीका कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद। तो ये हमारी पट्टियाँ यहाँ पर ये लग चुकी हैं और जो बाकी की जो पट्टियाँ हैं वो हम यहाँ पर अभी लगा देते हैं।